हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू देश अकेडमी आई होप आप सभी अच्छे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे सेफ होंगे देखिए आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल सी सी टीयर वन के 2018 के क्वेश्चंस को ठीक है यहाँ लिखा गया है 2017 हज़ार सत्रह मीन्स सेसन दो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था आपका दो में तो ये एस एस सी सी जी एल टीयर वन के क्वेश्चन है एम पब्लिकेशन से ये है बुक नंबर सीट नंबर थर्टी ठीक है तो अभी हम लोग कर रहे हैं दो हजार अठारह के क्वेश्चन इसके पहले जो है हम लोग दो हजार सोलह के क्वेश्चन को कम्प्लीट कर लिए हैं दो हजार उन्नीस के क्वेश्चन को कम्प्लीट लिए हैं अभी हम लोग कर रहे हैं दो हजार अट्ठारह ठीक है इन दोनों ईयर्स में आपको एस एस सी सी एच एस एल पी टी एस एस सी सी जी एल पी टी एस एस सी सी पी ओ पी टी एस एस सी एस्टोनोग्राफर पी टी एस एस सी सी जी एल मेन्स जिसमें आपके टू हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं एस एस सी सी पी ओ मेन जिसमें टू हंड्रेड क्वेश्चन इंग्लिश आते हैं इन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे आपको कराया गया है ठीक तो अगर आप प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं या जिस ईयर में आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर उसमें आपको दिक्कत है तो आप दस बजे से काज में क्या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको मिलेगा एम बी बुक सोल्यून टू थाउजेंड सिक्सटी एम बी बुक सोलूशन टू थाउजेंड एटीन और एम बी बुक सोल्यूशन टू थाउजेंड नाइनटीन आपको जिस ईयर का देखना है आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं अगर कुछ समझ में न आए कोई दिक्कत हो कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर जो है अभी हम लोग करेंगे 2018 के क्वेश्चंस को और इसके जस्ट बाद जो है हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को करेंगे दो हज़ार बीस में भी आपका सी एच एस एल पी टी हुआ है सी जी एल पी टी हुआ है सी पी ओ भी हुआ है और स्टेनोग्राफर भी हुआ है ठीक है तो इसका भी रिसोल्यूशन जो है आपको जल्दी कराया जाएगा क्योंकि दो हज़ार इक्कीस यानी कि इस साल जो है आपका अप्रैल और मई मंथ में सी जी एल पी टी और सी एच एस एल पी टी होना है अप्रैल मई मंथ में ठीक तो इनके लिए जो है हम लोग दो हज़ार बीस के भी क्वेश्चन को करके जाएंगे ताकि एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम उसे टैकल कर सकें Easily. ठीक चलिए तो फिर सेट वन से देखते हैं हैं के के लिए है 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 कि आपको आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके चार जिस में में लगता है, उस को आप अपने आंसर के रूप चूज करिए अगर आपको लगता है है कि उस सेंटेंस में कोई है ही नहीं तो आप जाइए नो इर वाले ऑप्शन के साथ ठीक देखिए क्या है है ट्रीज एंड द ग्रास वॉज वेट वाटर वाज ड्रिपिंग ठीक कोई दिक्कत नहीं वाज यहाँ पर द ग्रास वाज वेट यहाँ पर भी वाज यहाँ पर भी वाज कोई दिक्कत नहीं सेंस है अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो दिक्कत है वो है आपका फ्रेजल भोग ठीक ड्रिप मतलब होता है गिरना यहाँ पर बात हो रहा है कि पानी की बूंदे जो हैं वो क्या होती हैं टपकती हैं ठीक तो टपकने के सेंस में हम लोग ड्रिप के साथ जो है क्या यूज़ करते हैं डाउन या फिर फ्रॉम का यूज़ करते हैं ड्रिप डाउन या फिर डिप फ्रॉम इसका मतलब होता है बूंदों का टपकना तो जो वाटर है यानी कि जो पानी के बूंदे हैं वो पेड़ों पर टपक रहे थे और जो ग्रास थे वो भींग गए थे यानी कि वेट हो गए थे गीले हो गए थे ठीक तो यहाँ पर जो है हम ऑफ के स्थान पर जो है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे या तो डाउन या तो फ्रॉम ठीक है राइट right आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर टू प्रवीण सेट अप ऑन द सोफा प्रवीण सोफा पर बैठा विथ लेक्स डाउन हिम तो उसका जो है जब वो सोफा पर बैठा तो उसका पैर जो क्या हुआ टक डाउन मतलब टक मतलब होता है फस जाना मतलब इसके साथ जो हम फ्रेजल बर्ब सही यूज करेंगे उसका मतलब होता है फंस जाना ठीक है तो यहाँ पर जो है टक डाउन का जो है कोई एक्चुअल सेंस नहीं बनता है टक के साथ आपको क्या यूज करना होता है टक के साथ आपको यूज करना होता है अंडर टक अंडर मतलब क्या होता है टक अंडर मतलब होता है कि आप जो है दोनों पैरों के बीच करके बैठे और आपका एक पैर जो है वो क्या हुआ फंस गया ठीक तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन उप, सी है टक के साथ आपको क्या यूज करना है अंडर का यूज करना है टक अंडर ठीक यहाँ पे आपका ऑप्शन सी में इरर है क्वेश्चन नंबर थ्री टू तो फोर यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है और इस पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को एट नाइट द हंगरी ऑर्फेन यानी कि जो एक भूखा अनाथ व्यक्ति जो है वो जो असनिक इन टू द किचन वो चोरी छुप के किचन में गया एंड फिल इन द ब्लैंक टीनी अमाउंट्स ऑफ फूड और उसने टाइनी अमाउंट्स ऑफ फूड और उसने जो है छोटे छोटे मात्रा में जो है खानों को क्या किया चुराया तो यहाँ पर जो है मतलब कि वो किचन में गया किसके लिए तो खाने के लिए ही जाएगा खाना खाने के लिए ही वो जाएगा किचन में ताक झाक करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम चुराने के सेंस में जो हमारा राइट आंसर होगा वही हम उसके साथ जाएंगे तो ऑप्शन देखते हैं प्रीफर यानी कि होता है पसंद करना चुनना लिफ्टर यानी कि लिफ्ट उठाने वाला ठीक है मतलब लिफ्ट चालक जिसे बोलते हैं डिफो मतलब क्या होता है भिन्न होना मतलब कि अलग अलग आपके सोच हो सकते हैं जिसपे हम लोग मतभेद भी बोल सकते हैं यानी कि अलग अलग भेद होना अलग अलग, -अलग मत होना और पिल्फर यानी कि चोरी करना तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी है ठीक आते हैं क्वेश्चन नंबर फो पे एज द ओनली इन द ब्लैंक पर्सन इन द वैके फैमिली द सेंसिबल गर्ल फेल्स लाइक द ओल्ड वुमेन आउट यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शन को इनसेन यानी कि पागल वेन यानी कि व्यर्थ बेकार सेन यानी कि समझदार और मेन यानी कि मुख्य तो हम जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि सेन के साथ एज द ओनली पर्सन इन द फैमिली इस वैकी, इस पागल खानदान में इस पागल परिवार में सिर्फ एक ही जो है वो समझदार व्यक्ति है वो सेंसिबल गर्ल ठीक है तो यहां पर जो है हम राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आते हैं क्वेश्चन फाइव टू सिक्स यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड को चूज करना है अपने आंसर के रूप में यानी कि सिनोनिम बताना है आपको पिक्वेंसी का इसका मतलब होता है पिकुनसी मतलब चटपटा क्या होता है चटपटा मसालेदार जैसे कि आप लोग चाट वगैरह ये गुपचू वगैरह ये हो गया तो ये आपका चटपटा हो गया ठीक चलिए अब आते हैं यहाँ पे सिनोनिम ऑप्शन देखते हैं ब्लाइंड इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सौम्य विनम्र शांत ठीक? ये हम लोग कल भी वर्ड पढ़े ब्लाइंडनेस ठीक है तो इसका मतलब हो गया साम शांत फ्लेवरिंग यानी कि चटपटा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इन यानी कि स्वाधीन ये स्वाधहीन हो गया तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा यानी कि थकाऊ आते हैं क्वेश्चन नंबर पे टू यानी कि किसी से सामना होना ठीक है किसी से सामना होना जैसे मान लीजिए आप पार्टी में गए आपको पता ही नहीं है कि वहां पे आपके टीचर भी आने वाले हैं तो आपका टीचर से वहां पर सामना हो गया ठीक तो ये हुआ आपका ऑप्शन देखते हैं अवॉइड यानी कि टालना बचना डॉज मतलब होता है मतलब धोखा करना धुरथ चालाक एल्ड मतलब क्या होता है एल्ड मतलब होता है मान जाना और अकोस्ट मतलब होता है अचानक से आप कहीं पर मिल लिए और उनको अभिवादन किए नमस्कार किए ठीक तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन टू एट पे यहाँ पे आपको जो है अपोजिट बताना यानी कि एंटोनिम में यानी कि विपरीत शब्द सेवन का इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पंडित या फिर विद्वान कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मतलब जिसे हम लोग सिनोनिम के रूप में सिनो स्कॉलर बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं स्कॉलर यानी कि विद्वान तो इसका सिनोनिम स्कॉलर आप याद कर सकते हैं ऑप्शन देखते हैं अमित यानी कि अनुभवहीन तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है एक व्यक्ति विद्वान वे है समझदार है और एक व्यक्ति अनुभवहीन है बाकी ऑप्शन देखें तो अकेडमिक यानी कि शैक्षिक पंडित यानी कि विद्वान ये तो सिनोनिम हो गया एक है यानी कि अंडमुख आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे इंडिक्ट इंडिक्ट मतलब होता है अभियोग लगाना यानी कि आपने जो है किसी पर आरोप लगा दिया अभियोग लगा दिया ठीक ऑप्शन देखते हैं एरेन इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि अपराध ठहराना यानी कि आपने जो है किसी को आरोपी ठहरा दिया ठीक है तो ये तो सिनोनिम हो गया इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा ये सिनोनिम हो गया दोनों का मतलब होता है अपराध ही ठहरा देना सेंसर यानी कि निंदा करना एक्जोनरेट यानी कि दोष मुक्त कर देना एक तरफ आप किसी को अपराधी ठहरा रहे हैं और एक तरफ जो है उसको उसके अपराध से मुक्त कर रहे हैं तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है एंटोनियम के रूप में इम्पीच यानी कि महाभियोग लगाना राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने का जो है किस आर्टिकल में वर्णन है आप कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको याद है तो ठीक है क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जीएस के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर टू टेन यहाँ पे आपको एक्डम का अर्थ बताना है टू हैव बिटेन ऑफ मोर देन यू कैन अचीव इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है टेक एन कॉम्प्लीमेंट वन कैन फुलफिल टेक एन टेक एन अब क्या है यहाँ पे कमिटमेंट वन कांट फुलफिल यानी कि आपने एक ऐसा कमिटमेंट कर दिया है किसी से जिसे आप पूरा कर ही नहीं सकते हैं जिसे आप क्या कर सकते हैं पूरा नहीं कर सकते हैं ऐसा आपने कमिटमेंट कर दिया ठीक अब यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं टू ईट वोशियसली एंड देन फॉल्सिक यानी कि आपने जो है एकदम बहुत ही जल्दी जल्दी खाया एकदम भूखड़ की तरह और बीमार पड़ गए ठीक एलिमिनेट टू बिहेव डिसरेस्पेक्टफुल यानी कि अनादरपूर्वक आपने किसी से व्यवहार किया मतलब कि बड़ों से या पी से बड़ों के और देन रिपेंट द एक्ट और उसके बाद जो है आपने पछताया रिपेंट मतलब क्या होता है पछतावा तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट ऐसा करना जिस जो बहुत ही करने में मुश्किल होगी आपने जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया लेकिन फिर भी जो है आप उसके पाने के लिए दोबारा मेहनत किए यहाँ पर राइट आंसर आपका कोई भी नहीं है तो इसका आपको अर्थ याद रख लेना है कि आपने कोई ऐसा कमिटमेंट किया है जिस, जिसे जो है आप पूरा नहीं कर सकते हैं यू कांट फुलफिल दैट कमिटमेंट ठीक है यहाँ पर आपका राइट right आंसर कोई भी नहीं होगा क्वेश्चन नंबर टेन आउट ऑफ प्रिंट यानी कि प्रकाशन से बाहर यानी कि अब जो है वो प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो नॉट एबल टू प्रिंट ड्यू टू बींग शॉर्ट ऑन पेपर यानी कागज की कमी के कारण प्रिंट नहीं होना। अब बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर द यानी प्रकाशन के लिए वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एलेवन टू ट्वेल्व यहाँ पे आपको जो है आ, ब्रैकेट वाले पार्ट को अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो गिव ऑप्शन से करें नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे आई एव फन ठीक तो यहाँ पर देखिए आपका जिरेंज वाले फॉर्म यानी कि भर प्लस आई एन जी है इसके बाद हम टू का यूज नहीं करेंगे हम सिंपली जाएंगे हैविंग के साथ ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ट्वेल्व वाट डूइंग दैलरी डूंग कैवलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना सॉरी ठीक तो कैवलरी मतलब होगी आपका घुड़सवार सेना अब यहां पर देखिए उज का यूज हुआ है तो उज के साथ हम लोग कल भी पढ़े थे या तो आप उज प्लस भर्व का थर्ड फॉर्म यूज करिए अगर वो कॉन्टिन्यूवस में शो कर रहा है तो उज प्लस बी प्लस भर्व का फोर्थ फॉर्म यूज करिए ठीक तो यहाँ पर देखिए अगर उज के साथ भर्व का थर्ड फॉर्म है तो दिक्कत नहीं है ठीक यहां पर जो है आपका उज प्लस बी प्लस भर्व का थर्ड फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं या फिर उज प्लस बी प्लस भर्व का फोर्थ फॉर्म यूज करिए ठीक है तो यहां पर देखिए अगर ऑप्शन को तो यहाँ पर बी प्लस डन है ठीक तो यहां पर जो है आपका बी प्लस डन हो गया और उसके बाद है डन और या फिर है नो इम्प्रूवमेंट और उसके बाद है बी डूइंग ठीक तो यहाँ पर देखिए उज बी डन यहाँ पर हो सकता है उज बी डूइंग हो सकता है यहां पर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो व्हाट वहाँ पर यानि कि से ना वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर यानी कि कर रहे हैं ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूवस में आपका चल रहा है इसलिए जो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूवस वाले फॉर्म को यूज करेंगे तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ पर सेंस दर्शा रहा है कॉन्टिन्यूवस में इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है ओ डब्लू एस कर तो बताना है इन एग्जैक्टली द सेम वॉज एज वे यूज ऑरिजिनली यानी कि आपने जो है किसी चीज़ को एकदम अच्छे सा उतार दिया है जैसे मान लीजिए आप एग्जाम में बैठते हैं आप आगे बैठे हुए हैं आपके फ्रेंड एक पीछे बैठे हुए हैं अब आप जो लिख रहे हैं आपके फ्रेंड भी आपके कॉपी कर रहे हैं एकदम हु बू हुब जबकि रियालिटी ये है होता है जो कॉपी करते हैं उन्हीं का मार्ग जाता था ठीक है तो यहाँ पर जो है आ, ये हो गया आपका कि अक्षरसा आपने जियो कहती हूँ उसे उतार दिया ऑप्शन देखते हैं भविटिम यानी कि अच्छा अक्षरसा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है यानी कि जियो कती हूँ जैसे मान लीजिए कि उसने लिखा कि वह एक लड़का है तो आपने भी सेम का सेम वह एक लड़का वैसे ही उतार दिया यहाँ पर ये इसका अर्थ हुआ ठीक चलिए बाकी ऑप्शंस को देखें तो ऑफ वीट इसका मतलब क्या होता है गैर मामूली असामान्य डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है डाइवर्जेंट मतलब होता है विभिन्न कॉन्ट्ररी यानी कि विपरीत विरोध क्वेश्चन अपोर्सन इनक्लाइन क्वेश्चन और डाउट ओपिनियंस यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संदेह करता है किसी चीज पे हर चीज पे ठीक है ऑप्शन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है पचपाती यानी कि एक व्यक्ति जो है बहुत ही पंचपाती करता है स्केप्टिक यानी कि संदेहवादी तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया जिलेट यानी कि कट्टरपंथी ये वो हम लोग कल भी पढ़े थे और डिसिपल यानी कि शिष्य या फिर चेला राइट आंसर आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को अपने आंसर के रूप में चूज करना है तो यहाँ पर जो लिखा गया है वर्ड वो है आपका टेथरिंग इसका मतलब क्या होता है टेथरिंग मतलब होता है कटौती क्या होता है कटौती या फिर तड़पना भी होता है क्या होता है तड़पना ठीक तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ट आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन सी डेथरिंग मतलब होता है या तो कटौती भी होता है और या फिर तड़पना भी होता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन थोटल इसका इसका मतलब मतलब क्या होता इसका होता है घुटेना, घुटेना, है 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 दम दम घुटना घुटना गला ठीक ठीक तो यहां पर जो आपका है, वो है आपका वो कि सॉरी पे आपको जो है सेंटेंस अरेंज करना है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है सबसे पहले सब्जेक्ट वो चुनेंगे और उसके बाद उसे कनेक्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट आपका दिया गया है चिल्ड्रन आर सेंसिटिव तो चिल्ड्रन आर सेंसिटिव यहाँ पर आपका ऑलरेडी दिया गया है अब इसके बाद आपको क्या करना है तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका दिया गया है हेल्पिंग भर्व दिया गया है ठीक और उसके बाद आपका सेंसिटिव यहाँ पर है सेंसिटिव क्या है यहाँ पे आपका एडभर्व है एडजेक्टिव है भर्व है ये क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि हम आपको एक टेलीग्राम चैनल जो है हमारा दैन पिटेस अकेडमी वहाँ पर हम आपको शेयर किए हैं एक पिक मतलब कि कुछ दिन पहले ही जिसमें आपको एडवर्ब अलग से समझाया गया है एडजेक्टिव पहले समझाया गया भर्व कैसे पहचाना जाता है ये बताया गया है ठीक है तो अगर आप पढ़े हैं तो आप ज़रूर इसे कमेंट करके बताइए कि आखिर ये वर्ड क्या है क्योंकि अगर आप आईबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसका एग्ज़ाम फरवरी के थर्ड वीक में है प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछा है आई कि मान लीजिए कि रन तो ये आपका क्या है एडवर्ब है एजेक्टिव है भर्व है इस तरह से क्वेश्चन आई बी पूछता है तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर जिन्हें भी आई बी का एग्जाम देना है तो यहाँ पे आप कमेंट करके बताएंगे उसके बाद हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को आगे तो चिल्ड्रन आर सेंसेटिव टू वॉट हैपन्स अराउंड देम यानी कि चिल्ड्रन संवेदन होते हैं उनके आसपास जो होता है एंड आर इन्थोआस्टिक अबाउट वर्किंग ऑन प्लेस दैट रिफ्लेक्ट देयर लाइफ और उनके लाइफ का जो रिफ्लेक्ट करता है वो उससे जानने के लिए क्या होते हैं उत्साही होते हैं यहाँ पर हम जाएंगे एक्स वाई जेड के साथ यानी कि ऑप्शन बी ठीक है तो यहाँ पर आई होप हम इसका हिंदी बता हैं तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं सेंसेटिव क्या है आपको फिर भी कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर एटीन यहाँ पे आपको ये खुद से आप प्रैक्टिस करिए इसका पी जो है इस लेसन का पी डी हमारा टेलीग्राम चैनल द एम पी टी ठीक है द एम पी आप वहाँ पर जाएँगे वहाँ पर आपको लेसन अपलोड करने के बाद ही हम जो हैं इसे शेयर कर देते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है टेलीग्राम चैनल का आप वहाँ से जाएँ डाउनलोड करें उसे खुद से अटेम्प्ट करें ठीक इसका जो है राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन पे आपको एक्टिव से बताना है द इज़ मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भर्व का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूवस में है तो जब हम इसे पैसिव वॉइस मनाएंगे तो इसका हो जाएगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस भर्व का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट तो यहां पर देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपका जो है आप तुरंत अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन ए आपका है इज प्लस का थर्ड फॉर्म जबकि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूमस में इज एम आर प्लस बी इंग प्लस का थर्ड फॉर्म यूज होता है ऑप्शन बी आपका बिल बी का यूज़ हो गया ऑप्शन डी आपका इज फिर आपका भर का थर्ड फॉर्म तो ये भी एलिमिनेट हो रहा है आंसर ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन सी हो जाएगा तो अगर आपको रूल्स याद हैं तो आप अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुरंत अपना आंसर पे आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी यहाँ पे आपको डायरेक्ट इन डायरेक्ट जिसे हम लोग नारेशन भी बोलते हैं ही टू अ टेस्ट यानी कि मैंने उसने जैसे कहा कि उस उसे जो है दांत में दर्द है ठीक तो यहाँ पर देखिए ही सेट टू द डेंटिस्ट यानी कि ये पास्ट में है तो इस वाले पार्ट जो इन्वर्टेड कमाने वाला जो पार्ट में से जो सेंटेंस होता है इसे भी हम लोग इसके अनुसार ही चेंज कर देते हैं अगर ये पास्ट है तो पास्ट में ही चेंज कर दीजिए ठीक है तो हैव के जगह क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए हैड वाले ऑप्शन कौन कौन से हैं ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पर ऑप्शन डी भी एलिमिनेट अब यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपके पास बच जाएगा तो यहाँ पर देखिए ही हैज गॉटन का यूज़ हो गया ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जब भी टू तक हो तो आप डायरेक्ट जो है सब यहाँ पर जो ये हैज का यूज़ हुआ है ये आपका मेन भरव के रूप में यूज़ हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक हेल्पिंग कोई मेन भर की ज़रूरत अलग से नहीं है इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट ठीक है अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैन बीजेस अकेडमी पर जाइए वहाँ पर आप सर्च करेंगे नारेशन ठीक है ऊपर में थ्री जॉर्ज के पास आता है सर्च आइकन वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नारेशन के नाम से एक पीडीएफ आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए अच्छे से आपको वहाँ पर सारा समझ में आ जाएगा हम एकदम बिल्कुल अच्छे से तरीके से जो है वहाँ पे नारेशन को बताकर पीडीएफ में शेयर किए हैं चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव पर यहाँ पर जो है आपको क्या करना है एक पैसेज दिया गया है और इसे फिल करना है और कंप्लीट करना है ठीक है चलिए पढ़ते हैं द द्रिकोशना थ्री को नशना और ट्राइंगल पोज ठीक है यानी कि जो ट्राइंगल पोज की तरह ऐसे रहते हैं एस्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटायर बॉडी वो क्या करते हैं हमारे शरीर के सारे फंक्शन जो हैं वो स्ट्यूमुलेट करते हैं यानी कि उत्तेजित करते हैं उसे काम करने के लिए उत्तेजित करते हैं एंड उसके बाद जो आपके गिवेन ऑप्शंस हैं गिवेन गेव टू गिव और गिव्स तो यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन हैं एक ऑप्शन है और उस, उसके फॉर्म अलग अलग हैं यहाँ देखिए ये यह भर्व का थर्ड फॉर्म ये यह देखिए यहाँ पे भर्व का सेकंड फॉर्म ये टू गिव है और ये है यानी कि भर्व का फिफ्थ फॉर्म ठीक तो अब यहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको कौन सा भर्व के किस फॉर्म की ज़रूरत है तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टिमुलेट्स से यानी कि प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट वाले फॉर्म के अनुसार जाएंगे तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ ठीक है द और ट्राइंगल पोज द फंक्शन ऑफ द इंटायर बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट तो हम आगे भी प्रेजेंट में लेकर चल रहे हैं एंड गिव्स अ अल साइड स्ट्रेच टू द स्पाइन और वो रीण की हड्डी को वो क्या देता है स्ट्रेच देता है ठीक यानी कि प्रेजेंट में पूरा बात हो रहा है यहां देखिए तो इट हेल्स यानी कि वी प्रेजेंट इट मीन्स की हमारा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम सही है चलिए आगे बढ़ते हैं इट हेल्प्स रिड्यूस ब्लड प्रेशर यह क्या करता है कि मदद करता है ब्लड प्रेशर को कम होने में रिड्यूस कि कम होना स्ट्रेस भी कम करता है और एनजाइटी यानी कि चिंता जो चिंता होती है थोड़ा बहुत परेशानी होती है यह भी जो है कम करने में मदद करता है प्रैक्टिस दिस अशाना एवरीडे इस चीज को जो है आप हर दिन प्रैक्टिस करें ठीक है एंड यू विल उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यू विल यहां पर देखिए यू प्लस सेल या विल तो यहां पे आपका कौन सा फॉर्म आ जाएगा भर्व का भर्व का फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है तो यहां पर देखिए अगर इसके बाद हम देखेंगे तो यहां पर जो आपका भर्व का सिंपल फॉर्म है आप उसके साथ जाएंगे एंड यू विल गेन स्ट्रेंथ यहां पर देखिए ये भर्व का फर्स्ट फॉर्म तो कोई दिक्कत नहीं यहां पे हम जाएंगे ऑप्शन बी ठीक है आई होप आप समझ रहे होंगे गेन स्ट्रेंथ इन द एंकल्स यानी कि आपके जो घुटने होते हैं थाइज होती हैं नीज होती हैं हिप्स होती हैं कैल्स होते हैं हेम होते हैं आप उनमें स्तरथ पाएंगे प्राप्त करेंगे गेन करेंगे ज़्यादा उसमें ऑल स्टैंडिंग पोजेंस सॉरी पोजेस ऑल स्टैंडिंग पोजेस बिल्ड द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम और जितने भी स्टैंडिंग पोजेस होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए पोजेज स्टैंडिंग पोजेस यानी कि ये आपका सब्जेक्ट जो है प्लुरल फॉर्म में है तो भर्भ हम सिंग प्लूरल फॉर्म uh, में ही यूज करेंगे यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए के साथ बिल्ट आपका भर्व का फर्स्ट फॉर्म यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल है तो भर्व का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो भर्व का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं हम लोग टेंस में पढ़े हैं ठीक तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिल्ट ऑल अस्टैंडिंग बिल्ड द सिस्टम सो द मोर यू डू इट इसलिए आप जितना इसे अधिक करते हैं uh, उसके बाद जो है उसके बाद जो है कि आपका क्या है द बेटर योर स्टैमना विल बिकम यहां पर देखिए वो वाला फॉर्म आ गया कि द प्लस मोर द मोर यू स्टडी द मोर यू अगेन ठीक तो इस तरह से जो है ये वाला रूल आपका आ गया तो यहां पर देखिए कि यहां पर द मोर यूज हो गया तो आगे वाला पार्ट भी जो है हम द के साथ फिर ये जो है आपका कंपेटिव डिग्री वाला ऑप्शन ही यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपेटेटिव डिग्री में कौन सा है आपका बेटर है ठीक द मोर और इसका फिर अभी आपका जो आपका भर आएगा वो भी आपका कंपेटेटिव मोर भी जो है आपका कंपेटेटिव डिग्री बेटर भी आपका कंपेटेटिव डिग्री ठीक तो यहां पर हो गया योर स्टेमिना विल बिकम द एम इज नेवर टू ओवर डू इट जो आपका लक्ष्य होना चाहिए ये होना चाहिए कि आप कभी भी जो है ज्यादा ना करें मतलब किसी चीज को आप ज्यादा ना करें ओवर डू ना करें बट टू एंगेज रेगुलरली लेकिन आप नियमित रूप से इसे करें ठीक है बट आप क्या करें कि नियमित रूप से करें सो दैट यू गेट अ एंड मोर स्टेबल ओवर टाइम सो दैट मतलब क्या होता है यहाँ पर अगर हम सो का यूज़ करेंगे तो सो डेट मतलब हो गया ताकि ताकि जो है आप अधिक से अधिक स्ट्रांगर बने और मोर स्टेबल ओवर टाइम और ज़्यादा ज़्यादा आप स्टेबल बने ठीक है तो यहाँ पर आपका ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ ठीक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये है सेट नंबर थर्टी एट का डिटेल में सॉल्यूशन आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा तो लेसन पसंद आया समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आप चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं कंप्लीट आपने देख लिया अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए लेसन को शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स है लिंक उसका दे दिया गया है वहाँ पर जो है आपको आई के लिए करेंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं आई के लिए आपको आइडम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आई के लिए आपको अभी आई बी आइडम्स चल रहा है ये जैसे ही ख़त्म होगा आपका ओडब्ल्यू एस भी वहाँ पर शेयर किया जाएगा ठीक है करेंट आपको डेली मिल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग रेगुलर इंग्लिश के लेसन को कर ही रहे हैं और इंग्लिश के लिए आपको अलग से जो है आई के लिए प्ले भी बनाया गया है आप चाहें तो द दैसेकाज में यूट्यूब पर जाएँ वहाँ उसके प्ले सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको मिलेगा आई के नेम से एक प्ले आप उसे हर एक लेसन को देख लीजिए सारे लेसन आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसी तरह के क्वेश्चन आई हमेशा पूछता आया है आप पिछले चेंज को भी देख सकते हैं हम टेलीग्राम चैनल पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वहाँ पर शेयर भी कर चुके हैं तो आप चाहें तो देख सकते हैं ठीक है तो यह है आज का लेसन आई होप आपको पसंद आया हो मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन में थैंक यू